बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की बुक का बेटा चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 का 7 वाला पार्ट जो है बेटा, जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है 83 मल्टीप्लाई 92 का ऊपर स्क्वायर रूट 3 है डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाई 246 का स्क्वायर रूट 5 जो है बेटा, ये वैल्यू दी हुई है और इसको आपने सॉल्व करना है, इसका आंसर निकालना है। तो बेटा इसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला मेथड क्या बेटा, सॉरी, इस मेथड में पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास, हमने इस वैल्यू को एक्स के इक्वल रखना होता है। ये जो वैल्यू दी हुई है इसको हमने किसके इक्वल रख लेना है, एक्स के इक्वल। इसके जितने भी पार्ट हैं बेटा उन सबको ऐसे ही करना है आपने, इस वैल्यू को आपने एक्स के इक्वल एड कर लिया डिवाइडेड बाई 127 और ये 246 की पावर स्क्वायर रूट 5, इसको बेटा x के इक्वल रख लिया। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है, x का भी लॉग ले लिया और इधर भी आपने लॉग ले लेना है 83 मल्टीप्लाई 92 की पावर स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई 246 की पावर बेटा कितनी है 5, ये आपने कर लिया। अब यहाँ पे ये एक चीज़ आपने याद रखनी है कि अब बेटा जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास, उसमें हमने क्या करना है, इन सब का लॉग अलहदा अलहदा करना है, हर वैल्यू के साथ लॉग अलहदा लिखना है। अगर बेटा इस सारी जितनी वैल्यू इन सब की कोई पावर होती ऊपर है तो हमने उसको क्या करना था बेटा, उस पावर को अगर सब की इकट्ठी होती तो वो पहले लॉग से शुरू में चली जानी थी और फिर अलहदा अलहदा होनी थी। लेकिन यहाँ पे बेटा ये जो पावर है ये सिर्फ इसकी है, ये वाली इसकी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इनको पहले अलहदा अलहदा करेंगे, फिर जिसकी पावर होगी उस रकम के शुरू में आएगी, उस लॉग के शुरू में आएगी। तो हम लॉग 83 का अलहदा लिख लेंगे बेटा, उसके बाद ये मल्टीप्लाई की जगह क्या आ जाएगा, प्लस, और लॉग बेटा हम जो है 92 का अलहदा लिख लेंगे, और 92 के ऊपर क्या है स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 3 का मतलब होता है 1/3 बेटा, तो वो लिख लिया। उसके बाद ये डिवाइड है, डिवाइड के नीचे बेटा जितनी भी वैल्यू होनी है उन सब के साथ क्या आना है, माइनस आना है, तो अब हम माइनस लिखेंगे और लॉग 127 ये वाला, फिर बेटा माइनस, हालांकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, हमने प्लस नहीं लगाना, हमने डिवाइड के नीचे चाहे जो मर्जी वैल्यू हो, मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो, हमने उसको माइनस में ही लिखना होता है। अब ये बेटा इसका लॉग 246 ये लिखा और इसकी पावर कितनी है स्क्वायर रूट 5, जिसका मतलब क्या होगा बेटा 1/5, अगर स्क्वायर रूट 3 है तो 1/3, स्क्वायर रूट 5 है तो 1/5, स्क्वायर रूट 8 होता तो 1/8 आ जाना था। अब बेटा इनमें से पहली रकम तो ऐसे ही है, इसकी कोई पावर नहीं है, प्लस अब इस रकम की बेटा पावर है 1/3, तो वो लॉग से पहले आ जाएगी और लॉग में क्या बच जाएगा 92, उसके बाद माइनस ये लॉग 127 भी ऐसे ही आ जाएगा और माइनस ये 1/5 पावर शुरू में आ जाएगी और लॉग 246 बच जाएगा बेटा, ये लिख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो होगा बेटा, उसमें हमने क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को लिखना है बेटा, इनकी क्या लिखनी है, वैल्यूज़ लिखनी है। जैसे हमारे पास लॉग 83, तो हम कैलकुलेटर पकड़ेंगे बेटा और इसकी वैल्यू लिखेंगे लॉग 83 की कितनी होती है, लॉग 83 तो ये इक्वल आ गया बेटा 1.9191 प्लस 1/3, ऐसे ही आया ये। और इस बेटा लॉग 92 की वैल्यू हम लिखते हैं कितनी आती है, तो जब हमने कैलकुलेटर पे लिखा लॉग 92 तो ये बेटा हमें इसने आंसर दिया 1.9 उसके बाद 638, इसका आ गया माइनस, फिर लॉग 127 लॉग 127 तो इसका बेटा आंसर उसने हमें दिया कैलकुलेटर ने 2.1038, फिर माइनस 1/5 ये वाला ऐसे ही आ गया और लॉग 246 इसका हम लॉग लेंगे बेटा लॉग 246 तो इसका आंसर आया 2.3909, ये भी लिख लिया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, अगले स्टेप में बेटा हमारे पास क्या होगा, इस साइड पे जो लॉग एक्स था वो वैसे ही आ जाएगा, ये वाला जो है इधर बेटा आपके पास इसने ऐसे ही आना है लॉग एक्स ने, अब इस वैल्यू को भी ऐसे लिखा 1.9191 उसके बाद बेटा प्लस
अब इन दोनों वैल्यूज को क्या करना है, इसको बेटा पकड़ना है, वन से मल्टीप्लाई करना है, तो यही बात जाएगी। और इसको किस पे डिवाइड कर देना है, थ्री पे, यानी 1.9638। इसको आपने बेटा किस पे डिवाइड किया, डिवाइडेड बाय थ्री। तो जब थ्री पे डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 0.6546। उसके बाद बेटा ये माइनस, ये वैल्यू ऐसे ही रहेगी क्योंकि ये किसी से मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं हो रही, -2.1038। उसके बाद बेटा ये माइनस, अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को बेटा आपने वन से मल्टीप्लाई करना है और किस पे डिवाइड कर देना है, फाइव पे। तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा 2.3909। और फिर इसको बेटा आपने डिवाइड किस पे करना है, फाइव पे। तो जब इसको बेटा किया तो ये आपके पास आ गया 0.4। उसके बाद बेटा हमारे पास है 789, ये हमने लिख लिया इसको। अब बेटा आपने क्या करना है, लॉग एक्स एज इट इज़, इन सारी वैल्यूज़ को बेटा आपने क्या कर देना है, प्लस माइनस कर लेना है। तो 1.9191, उसके बाद बेटा क्या था, प्लस 0.6546, उसके बाद बेटा -2.1038, फिर -0.4789। तो ये बेटा सारा सॉल्व करके आया हमारे पास -0.0090। अब एक्स इधर ही, और अब हम बेटा क्या करेंगे, इसका जो है वो एंटी लॉग लेंगे, इधर एंटी लॉग, और उसके बाद बेटा ये वैल्यू -0.0090। ये बेटा आपने किया एक्स इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इसका मेथड क्या है बेटा एंटी लॉग लेने का, वो यही है कि आप क्या करें बेटा, सबसे पहले जो है वो आपने जो है एंटी लॉग के लिए शिफ्ट का बटन दबाना होता है। जब बेटा हम शिफ्ट का बटन दबा लेंगे तो उसके बाद हम लॉग का बटन दबाएंगे तो छोटा सा 10 बन जाएगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आपने सबसे पहले ये शिफ्ट का बटन दबाना है, फिर ये लॉग का, तो एंटी लॉग बन गया। आगे आपकी वैल्यू लिख देनी है जो है थी -0.00, उसके बाद 90। तो जब बेटा इसको लिखा तो उसने आपको आंसर कितना दे दिया, 0.979। अगर बेटा आपने जो है वो पॉइंट के बाद तीन या चार डिजिट तक लिखना है तो उसके लिए ये मेथड होता है आपके पास कि आप ये बेटा मॉड के बटन को क्लिक करें और इसको तीन दफ़ा प्रेस करना है तो ये फिक्स आ जाएगा। इसके नीचे वन लिखा हुआ है, वन प्रेस करें। आगे पूछ रहा है आपने कितने, ये जीरो से नाइन तक, हमने चार डिजिट तक लिखना है तो हम यहाँ पर चार लिख देंगे। तो उसने आपको आंसर दे दिया 0.9795। तो इसका बेटा आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.9795। अगर इससे आगे लिखने हैं बेटा तो वो और भी वैल्यू थी, लेकिन हमने पहली चार लिख दी, बाकी छोड़ दी हैं। तो ये बेटा अगर फिक्स करने में अगर किसी को कोई मसला होता है, किसी बच्चे को नहीं समझ आती, तो वो भी बेटा मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकता है, नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर है। इसके अलावा अगर इसमें बेटा कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया किसी भी जगह से, तो फिर भी आप मुझे कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।